नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास के दूसरी इकाई बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत तर्क विकास के तरीके के बारे में बात करेंगे। प्रश्न आ सकता है कि तर्क विकास के मुख्य तरीकों को बताइए। यहाँ पर चार तरीके बताए हुए हैं। इससे पिछले वीडियो में तर्क की परिभाषा, तर्क की विशेषताएं, तर्क के प्रकार करवा चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जो अभी आपका नया सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तर्क विकास के तरीके, मेथड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट। शिक्षा में तर्क का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होता है वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अतः जी स्टेनले ग्रे ने लिखा है कि तर्क आगमन निगमन वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों जैसे ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, जनशास्त्र, कोशिका विज्ञान आदि जीवन जगत में समाज शास्त्र, शासन विज्ञान, नेतृत्व शास्त्र, सहकारिता आदि के जगत में विद्यमान है का अध्ययन करता है। अतः हम बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित तरीके प्रस्तुत करते हैं। पहला तरीका है दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वे जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने का निश्चय कर सके। दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार है। अगला है इसमें स्वाभाविकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिटी। बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। जब बालक आपस में बात करते हैं तो उनको क्या मिलता है, तर्क की प्रेरणा मिलती है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर जब विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न रायों में से उपयुक्त राय समस्या का समाधान करती है जो बालक के मस्तिष्क की उपज होती है, अनुकरण नहीं। इसीलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को निगमन विधि से उपयुक्त माना है। अगला है इसमें क्रमागत ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज। तर्क विधि विभिन्न चरणों पर आधारित है। बालकों को क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए ताकि वे सभी चरणों को समझ सकें। साथ ही साथ उनके सामने समस्या प्रस्तुत की जाए और चरणों का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाए। इस प्रकार से बालकों को तर्क के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम है सूझ शक्ति का प्रयोग, यूज ऑफ इनसाइट। चिंतन एवं तर्क सूझ शक्ति और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बालकों को सिखाना चाहिए। जब बालक किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाएंगे तो वे सूझ शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार स्वयं के मानसिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान किया जाता है जो सूझ का परिणाम होता है। इसी के साथ ही आपकी ये पूरी इकाई के सारे प्रश्न हो चुके हैं। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली इकाई के प्रश्नों में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।